वेलकम टू स्टडी को विजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमोटर कौन होता है, इसकी क्या पोजीशन एंड लायबिलिटीज होती हैं, और जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 का क्लोज 69 है, वहाँ पर प्रमोटर को डिफाइन किया गया है। जो डेफिनेशन दे रखी है वो इतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए हम प्रमोटर को अपने शब्दों में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रमोटर है वो वह पर्सन या फिर पर्सन्स होते हैं जो कि कंपनी के फॉर्मेशन का जो एक्चुअल आइडिया है वो लेकर आते हैं, और जो भी कंपनी को फॉर्म करने से पहले आवश्यक कार्य होता है, जो भी प्रिलिमिनरी वर्क होता है जो कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए इंसिडेंटल होता है, वो सारा का सारा वर्क जो पर्सन करता है, जो पर्सन्स करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रमोटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमोटर है ये वो पर्सन होता है जो कि कंपनी को अस्तित्व में लाता है, एग्जिस्टेंस में लाता है। इसके अलावा ट्वाइक्रॉस वर्सेस ग्रांट 1872 के केस में कॉकबर्न सीजे ने प्रमोटर को डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कि दिए गए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, दिए गए प्रोजेक्ट के रेफरेंस में कंपनी के फॉर्मेशन की अंडरटेकिंग लेते हैं और कंपनी को फॉर्म करने के लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए उन स्टेप्स को जो लोग उठाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर। और साथ ही ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी में एक से ज़्यादा प्रमोटर्स हो सकते हैं, और जो प्रमोटर है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई एसोसिएशन भी हो सकती है या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी भी हो सकती है। यानी कि एक कंपनी नई कंपनी को क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रमोटर कौन होता है। अब अगर हम बात करें प्रमोटर के क्या मेन फंक्शन है, तो पहला फंक्शन तो यही है कि बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया लेकर आएगा प्रमोटर। इसके अलावा जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए ये पता लगाने के लिए कि क्या कंपनी का फॉर्मेशन पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल है, वो सारी की सारी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करना प्रमोटर का काम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रमोटर का, उतने नंबर ऑफ पर्सन्स को इकट्ठा करना जितने कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर है। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 लोगों को इकट्ठा करना जरूरी है, और इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी कम से कम 7 लोग होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो कि क्या करेंगे प्रपोज कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस पर साइन वगैरह करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोटर का प्रपोज कंपनी का नाम सेटल करना, और ये असर्टेन करना कि क्या ये नाम जो सेटल वो कर रहे हैं वो कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं। इसके अलावा प्रमोटर का नेक्स्ट फंक्शन है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उनके कंटेंट को सेटल करना, उसमें डिटेल को सेटल करना और उनकी प्रिंटिंग को अरेंज करना प्रमोटर का एसेंशियल फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोटर का जो भी डायरेक्टर्स, सॉलिसिटर्स, बैंकर्स, ऑडिटर एंड सेक्रेटरी कंपनी के होने चाहिए उनको नॉमिनेट करना प्रमोटर का फंक्शन है, और साथ ही कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है वो कहाँ होना चाहिए उस प्लेस को डिसाइड करना भी प्रमोटर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और इसके अलावा जैसे कि कंपनी को सब्सक्राइब करने के लिए क्या किया जाता है, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू किया जाता है, तो अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना आवश्यक है तो प्रमोटर क्या करता है, प्रोस्पेक्टस भी इशू करता है। और इन सभी फंक्शन के अलावा प्रमोटर क्या करता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन को अरेंज करता है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी उनको रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये क्या करता है, फाइल करता है। तो इस तरह से जो प्रमोटर है ये कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो सब हमने फंक्शंस डिस्कस किए हैं ये होते हैं प्रमोटर के मेन फंक्शंस। अब अगर हम बात करें कि जो प्रमोटर होता है उसका क्या लीगल स्टेटस होता है, उसकी क्या विधिक हैसियत होती है, तो जैसे कि जो प्रमोटर है उसका बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी को अस्तित्व में लाने में, तो इस तरह से
जो प्रमोटर है हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंपनी का एजेंट है या फिर कंपनी का ट्रस्टी है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता है कंपनी में जिसको हम कह सके कि ये प्रिंसिपल है और इसके लिए जो प्रमोटर है वो एज अ एजेंट एक्ट कर रहा है। और ना ही कंपनी में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके लिए प्रमोटर एज अ ट्रस्टी एक्ट करे। तो इस तरह से जो प्रमोटर है वो ना तो एजेंट है कंपनी का और ना ही ट्रस्टी है। तो ये सवाल आता है कि प्रमोटर का कंपनी के साथ फिर रिलेशन क्या हुआ? तो कंपनी के साथ प्रमोटर का रिलेशन होता है फिड्यूशरी रिलेशन, जो कि बेस होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पर। और अपनी इस फिड्यूशरी पोजीशन की वजह से जो प्रमोटर है उसकी कुछ लायबिलिटीज होती हैं। पहली लायबिलिटी होती है प्रमोटर की कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी अर्न नहीं करेगा, ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। और अगर वो ऐसा करता है, अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करता है और कंपनी को इस बात का पता चल जाता है, तो कंपनी क्या कर सकती है? प्रमोटर को कंपेल कर सकती है कि भाई अकाउंट का ब्योरा दो कि क्या क्या सीक्रेट प्रॉफिट आपने अर्न किया है। और कंपनी कंपेल कर सकती है प्रमोटर को कि जो भी सीक्रेट प्रॉफिट आपने अर्न किया है उसको सरेंडर कर दो। नेक्स्ट ड्यूटी होती है प्रमोटर की कि जो भी नेगोशिएशंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंपनी के लिए प्रमोटर कर रहा है उसका बेनिफिट वो कंपनी को दे। अगर प्रमोटर कोई प्रॉपर्टी वगैरह कंपनी के लिए परचेज करता है तो जितने प्राइस में उसने परचेज की है उससे ज़्यादा प्राइस में वो कंपनी को उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है। तो अगर जो प्रमोटर है वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के लिए जिससे वो कंपनी को बेनिफिट ना देकर खुद बेनिफिट ले रहा है, तो जो कंपनी है इस तथ्य को डिस्कवर करने के बाद क्या कर सकती है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क कर सकती है, कैंसिल करवा सकती है और जो भी परचेज प्राइस वगैरह है वो प्रमोटर से रिकवर कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट ड्यूटी बनती है प्रमोटर की कि जो उसकी पोजीशन है कंपनी में उस पोजीशन का वो अनफेयर यूज़ ना करे, अनरीजनेबल यूज़ ना करे। उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी तरह का अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड वगैरह करने से बचे। और अगर ऐसा होता है कि जो भी प्रॉफिट वगैरह अर्न किया है प्रमोटर ने उस प्रॉफिट को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करने में अगर प्रमोटर फेल हो जाता है तो जो कंपनी है वो प्रमोटर के द्वारा उसकी फिड्यूशरी ड्यूटी के ब्रीच की वजह से जो कंपनी को डैमेज हुआ है उस डैमेज के लिए क्या कर सकती है? सू कर सकती है प्रमोटर को, यानी कि कंपनी प्रमोटर के ऊपर सूट फाइल कर सकती है। और साथ ही जो कंपनी है जो भी प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट वगैरह अर्न किया है उसको रिकवर कर सकती है। अब अगर हम बात करें प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होता है, क्या इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ प्रमोटर लायबल होता है या फिर कंपनी भी लायबल होती है, तो इस संबंध में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो जैसा कि कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रमोटर जो है वो अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्टेप्स वगैरह लेता है, जिनमें से एक स्टेप ये भी है कि वो थर्ड पार्टी के साथ क्या करता है, कई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नेगोशिएशंस वगैरह करता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले प्रमोटर के द्वारा थर्ड पार्टी के साथ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी की क्या लायबिलिटी रहती है, इसके संबंध में जो कॉमन लॉ है वहाँ पर ये प्रिंसिपल था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंपनी है वो लायबल नहीं होती है, क्योंकि कंपनी उस टाइम पर अस्तित्व में ही नहीं होती है जब इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। तो इस तरह से अगर हम प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल लगाएं तो जो कंपनी है वो क्या हो रही है, स्ट्रेंजर हो रही है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पर अस्तित्व में ही नहीं थी जब कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। तो इस तरह से जो कंपनी है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल ही नहीं है। जो डॉक्ट्रिन है प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का वो कंपनी की लायबिलिटी को एक्सक्लूड करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से। तो ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बोली ये केलनर वर्सेस बाक्स्टर एंड फोनोग्राम लिमिटेड वर्सेस लेन इन केसेस में हेल्ड हो रखी है।
तो जो प्योर कॉमन लॉ है वहां पर ये व्यवस्था है कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, कंपनी को वो बाइंड नहीं करते हैं। बट इस प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शन बाद में डेवलप हुए, कहाँ पर, यूएसए में, इंडिया में और बाद में इंग्लैंड में भी इस रूल के कुछ एक्सेप्शन डेवलप हुए। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत जो दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, सेक्शन 15 का क्लोज एच एंड सेक्शन 19 का क्लोज ई, ये क्या करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की लायबिलिटी को अराइज करते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, सेक्शन 15 का क्लोज एच, ये कहता है कि जैसा कि कंपनी स्ट्रेंजर है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट फिर भी कंपनी को राइट है कि वो क्या कर सकती है, जो अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसको सू कर सकती है, उसके ऊपर वाद ला सकती है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाय द टर्म्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन क्या कर दिए गए हों, वारंटेड कर दिए गए हों, जस्टिफाई कर दिए गए हों, अडॉप्ट कर लिए गए हों, तभी जो कंपनी है वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की जो अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसके ऊपर सूट फाइल कर सकती है। तो इस तरह से ये जो प्रोविजन है ये कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन को क्लियरली क्या करता है, निगेट करता है, नकारता है, और प्रमोटर को ये राइट देता है कि वो अपना राइट टू सू कंपनी को दे सकता है। और ये बात वली पट्टाभी रमा राव वर्सेस श्री रामानुजा जीआर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के केस में हेल्ड हो रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 19 का ई क्लोज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये कहता है कि जो कंपनी है उसको प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट की जो अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो भी क्या कर सकती है, सू कर सकती है, वो भी कंपनी के ऊपर वाद ला सकती है। बट कंडीशन यही है कि भाई जो ये कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में अदर पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो वाद ला रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट बाय द टर्म्स ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन वारंटेड कर दिए गए होने चाहिए, अडॉप्ट कर दिए गए होने चाहिए। तो इस तरह से ये जो प्रोविजंस हैं ये प्रमोटर की जो लायबिलिटी है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस लायबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंपनी की लायबिलिटी है उसको उत्पन्न करते हैं। सो गाइज इट्स ऑल अबाउट प्रमोटर एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना। आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हैं। सभी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।